हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न। आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के स्कूल के बारे में। एज अ पेरेंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? हमारे बच्चे, और बच्चों को फ्यूचर को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है उनका स्कूल। इन जनरल हम पेरेंट्स क्या सोचते हैं, इंक्लूडिंग मी, हम ये सोचते हैं कि अगर कोई स्कूल बहुत ही ज़्यादा हाई फी डिमांड करता है या फिर बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो वो स्कूल अच्छा ही होगा। लेकिन हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, सो स्कूल ऐसा चुने जो आपके हिसाब से नहीं लेकिन आपके बच्चों के हिसाब से बेस्ट हो, आपके बच्चों की सारी रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करता हो। सो आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स जो मेरे हिसाब से बेस्ट स्कूल में होने चाहिए। फर्स्ट इज डिस्टेंस। कई बार हम पेरेंट्स दूसरों की देखा देखी बच्चों को दूर की स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं, फिर क्या होता है, बच्चा दिन के 2-3 आवर्स सिर्फ कम्यूटिंग में ही स्पेंड करता है। इससे उसका काफ़ी समय सिर्फ ट्रैवलिंग में ही वेस्ट होता रहता है। सो इसके चलते उसको आपसे इंटरेक्ट करने के लिए कम समय मिलेगा, खेल कूद के लिए कम समय मिलेगा, काफ़ी और चीज़ों के लिए उसे कम समय मिलेगा। सो स्कूल अगर आपके नेबरहुड में ही हो, उस स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को सिर्फ 15-20 मिनट से लगते हो, तो स्कूल मेरे हिसाब से ऐसा ही चुने। एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट यू हैव टू कंसिडर योर चाइल्ड्स कम्फर्ट एंड ऑल्सो एंश्योर डैट द स्कूल इज क्लोज इनफ फॉर यू टू रीच इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम वेन एवर नीडेड। स्कूल अगर दूर होगा फिर बच्चा वहाँ पर थका हुआ जाएगा, स्कूल के आने के बाद भी फिर बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होगा। सो स्कूल नज़दीक हो उतना ही अच्छा होगा। द नेक्स्ट इज स्कूल फी। दूसरों के बच्चे अगर बहुत ही ज़्यादा हाई फी डिमांड करता हो ऐसे स्कूल में जाते हैं, फिर उनकी देखा देखी हम भी बच्चों को वही एडमिशन दिला देते हैं। शुरुआत के कुछ समय में तो हमें ठीक लगेगा, लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे जाएगा स्कूल फी और बढ़ जाएगी, फिर वो फीस हमें बोझ लगने लगेगी। सो स्कूल ऐसा चुने जिसकी फीस आप आसान से अफोर्ड कर सकते हो, आपके पॉकेट पे वो भारी ना लगे। स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से स्कूल की फ़ी का स्ट्रक्चर पूछने से बिल्कुल ना कतराए, और साथ साथ ये भी ज़रूर चेक कीजिए कि फीस के अलावा और कोई चार्जेस क्या वहाँ पे है। कई बार क्या होता है, कोई बहुत ही ज़्यादा हाई हिडन चार्जेस भी स्कूल वाले लगाते हैं, सो ये भी ज़रूर चेक कीजिए। और ये भी ज़रूर चेक कीजिए कि जितना आप पे कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, सेफ्टी, फैसिलिटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपके बच्चे को मिल रहा है या नहीं। नेक्स्ट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एज अ पेरेंट हम ये चाहे या ना चाहे कि हमारा बच्चा 90% या 95% मार्क्स लाए, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ पर सेफ हो। तो ज़रूर चेक कीजिए कि वहाँ पे स्कूल की जो बाउंड्रीज होती है वो उतनी ऊंची हो कि बाकी बाहर का कोई आदमी बिना परमिशन अंदर ना जा सके और अंदर की कोई स्टूडेंट बिना परमिशन बाहर ना आ सके। सारे गेट्स पे गार्ड ज़रूर हो। सीसीटीवी प्रोविज़न बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ही, लेकिन इसके अलावा आप ये भी ज़रूर चेक कीजिए कि वहाँ के जो हेल्पर्स वगैरह है, जो मौसी वगैरह है, उनके बैकग्राउंड चेक होते हैं या नहीं। स्कूल के प्रीमाइसिस में उनके वॉशरूम यूज़ करने के लिए आपको या बाहर के कोई आदमी को परमिशन ना मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं ये परेशानी वाली बात है। नेक्स्ट इज एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटी। बच्चा जो सीखता है वो उसके साथ पूरी लाइफ रहता है, सो स्कूल का एकेडमिक रिजल्ट कितने आते हैं ये ज़रूर चेक कीजिए। उनके पिछले कुछ ईयर्स के रिज़ल्ट चेक करें, मोस्टली SSC एंड HSC के रिज़ल्ट ज़रूर कंपेयर कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आगे ही ऐसा ही रिज़ल्ट आएगा, लेकिन देर इज़ अ हायर चांस टू रिपीट। और अब हम बच्चों को सिर्फ पढ़ाने के लिए तो स्कूल भेजते नहीं, सो ज़रूर चेक कीजिए कि वहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ को कितना इम्पोर्टेंट दिया जाता है। स्कूल में एंटर होते ही आपको शायद एक बोर्ड मिलेगा, उस पर कुछ फोटोग्राफ्स आपको देखने मिलेंगे, उससे आप जान सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटीज़ होती है। स्पोर्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्रामा, डांस, ये सब भी बच्चों को पढ़ाई जितना ही इम्पोर्टेंट है, उनके फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पोर्ट्स से बच्चों को टीम वर्क, उनकी बॉन्डिंग, ये सब सीखने को मिलता है। सो सिर्फ रिजल्ट्स ना देखते हुए उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ज़रूर चेक कीजिए।
इसके अलावा टीचर स्टूडेंट रेशियो, मैं जब स्टूडेंट थी तो मेरे क्लास में 60 स्टूडेंट होते थे। इससे क्या होता था, पिछली सीट का जो लड़का है या लड़की है वो क्या कर रहा है वो टीचर्स को नहीं पता होता, और टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को नहीं पता। सो क्लास में अगर कम स्टूडेंट होंगे तो वो टीचर्स आपके बच्चों को ज़्यादा अच्छे से अटेंड कर पाएंगे, सारे बच्चों को इक्वल इम्पोर्टेंट मिलेगा। अगर आप प्री प्राइमरी नर्सरी के लिए अपने बच्चों को एडमिशन कराने जा रहे हैं तो वहाँ पे 10 या 15 स्टूडेंट के साथ एक टीचर या और एक इनकी असिस्टेंट ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप प्राइमरी या सेकेंडरी के लिए एडमिशन कराने जा रहे हैं तो आप ज़रूर देखिए कि वहाँ पे 30 या 35 स्टूडेंट पर क्लास इज एन एक्सेप्टेड। क्लीन एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट, आपका बच्चा दिन के 5-6 घंटे स्कूल में स्पेंड करता है तो ज़रूर चेक कीजिए कि वहाँ पे एक क्लीन एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट मेंटेन किया जाता है या नहीं। स्कूल की जब आप इंक्वायरी के लिए जाए तो क्लासरूम के अलावा वॉशरूम भी ज़रूर चेक कीजिए, और ज़रूर चेक कीजिए कि वहाँ पे टाइम टू टाइम वह सफाई होती है या नहीं। टीचर्स, बच्चे के फ्यूचर को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं टीचर्स। टीचर के क्वालिफिकेशन और उनका एक्सपीरियंस ज़रूर चेक कीजिए। अभी आप टीचर्स को डायरेक्टली तो पूछ नहीं सकते कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए आप स्कूल की वेबसाइट को चेक कीजिए, वहाँ पे ज़रूर मेंशन किया गया होगा कि उनके पास कितने क्वालिफाइड टीचर्स है, उनका एक्सपीरियंस क्या है। जितना हाई क्वालिफाइड टीचर होगा, जितना हाई उनका एक्सपीरियंस होगा, वो उसका नॉलेज उतना ज़्यादा वो आपके बच्चों के साथ शेयर करेगा। और ज़रूर चेक कीजिए कि वहाँ पे क्या बजट, टीचर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग मिलती है या नहीं, बच्चों को वो कैसे कंट्रोल करते हैं, सिर्फ फिजिकल पनिशमेंट देके कंट्रोल करते हैं या फिर बच्चों को कंट्रोल करने के लिए उनको टाइम टू टाइम कोई साइकोलॉजिकल टिप्स मिलती है या कोई वो नई मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं। अगर बच्चों को टीचर्स फिजिकल पनिशमेंट देते हैं तो मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को मार के या पीट के हम कुछ भी नहीं सिखा सकते। नेक्स्ट इज बोर्ड, इंडिया में ये सारे बोर्ड्स अवेलेबल है, SSC, ICSE, CBSE, IB, CIE। सो ये सारे बोर्ड्स के अलग अलग सिस्टम होते हैं टीचिंग के, और ये सारे बोर्ड अलग अलग सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं। सो एज अ पेरेंट आपको ये डिसाइड करना है कि आपके बच्चे के लिए इनमें से कौन सा सही होगा। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन अलोंग विथ फ्रीडम टू एक्सप्रेस। डिसिप्लिन, आजकल के बच्चों में हम यही तो कम देखते हैं, आजकल हम देखते हैं कि बच्चे 12-13 साल से ही सिगरेट पीते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बच्चे स्कूल से ही सीखते हैं। अच्छा होगा कि स्कूल एक वेल डिसिप्लिन फॉलो करता हो, और सिर्फ डिसिप्लिन ही नहीं, मुझे लगता है कि अगर किसी स्कूल में बहुत ही अथॉरिटेटिवली बच्चों को ऐसे रखा जाता है तो हमें लगता है कि बच्चों की क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। सो ज़रूर चेक कीजिए कि वहाँ पे क्या बच्चों को उसकी बातें रखने के लिए, उसका पॉइंट रखने के लिए फ्रीडम मिलता है कि नहीं, पेरेंट्स को कितना अलाउ करते हैं, पेरेंट्स को उनका ओपिनियन पूछा जाता है कि नहीं। और फ्रीडम टू एक्सप्रेस के साथ साथ ही बच्चों को डिसिप्लिन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो बच्चों को एक वेल डिसिप्लिन स्कूल में ही एडमिट कराए। सो दैट्स ऑल फॉर द स्कूल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्प किया हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने बाकी पेरेंट्स फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब करने से आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।